अच्छा भाई, उज्मा बीबी के हाथ में एक अदद लेज़र पॉइंटर है और ये लेज़र पॉइंटर पानी पे मार रही हैं, और इनका हाथ 1.7 मीटर की ऊंचाई पे है, 8.1 मीटर ये फासला है, लिखा हुआ ये पता नहीं क्यों आपको बता रहा हूँ। और इस लेज़र की रोशनी ज़ाहिर रिफ्रैक्ट होकर पानी में एक पॉइंट पे गिरती है। मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा फासला मुझे निकाल के बताएं। अच्छा भाई, अगर ये पूरा फासला आपको निकालना है तो सबसे पहले तो आपको यकीनन ये फासला चाहिए होगा, बल्कि तमीज़ से लिख देता हूँ, आपको चाहिए होगा ये फासला, और इस फासले में जो कि जाहिर है इस फासले के बराबर होगा ये फासला, और फिर आपको ये फासला दरकार होगा जो कि हम निकालेंगे। तो भाई पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइनोज़ेवियमसिल्लस यानी राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये फासला तो मैं बआसानी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं इसको x कह दूँ तो सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम मुझे लगाना है, जिसके तहत 8.1 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर्ड जमा 1.7 के स्क्वायर के। सबसे पहले मुझे दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा ताकि मैं इस स्क्वायर को काट सकूँ, लिहाजा ये हो जाएगा कुछ इस तरह। तो भाई x मालूम करने के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर्ड बराबर है 8.1 का मुरब्बा माइनस 1.7 का मुरब्बा, जिसे निकालने के लिए आपको दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, और रूट लेने से ये कट जाएगा तो x हमारे पास आएगा। अब कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आप जब x निकालेंगे तो ये x बनेगा 7.92 मीटर। ठीक है भाई, तो x तो आ गया, अब हमें ये फासला y किसी तरीके से निकालना है। कैसे निकालें भाई, यहाँ तो और कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम ज़रा देखते हैं अब कि रिफ्रैक्शन में हमारे साथ क्या हो रहा है। रिफ्रैक्शन में आप जानते हैं कि वर्टिकल से यानी तूल में आपके पास ये एंगल बन रहा है जो कि है थीटा 1 कह देते हैं, और यहाँ पर मटीरियल यकीनन हवा है, उर्दू में लिख देना हवा है, और ये आप जानते हैं कि पानी है, नहीं भी जानते हो नज़र आ रहा है, माशाल्लाह साहिब बसीरत हैं या साहिबे बसीरत, तो इसे हम कह देते हैं थीटा 2। और अब हम लगाएंगे अपना स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़रब हवा में बनने वाला एंगल थीटा 1 बराबर होगा पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़रब पानी में बनने वाले एंगल के साइन के। ठीक है, तो हमें हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दी गई है 1.00029 ज़रब साइन। अब थीटा क्या है भाई, थीटा 1 कैसे हम निकालें? थीटा 1 ऐसे निकलेगा, तो अगर आप गौर करें तो ये आपका एंगल है, तो अगर हमने इस तरह किया तो ये साइड एक्स हो गई यानी 7.92 मीटर ये है, और 8.1 हमें दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि साइन थीटा अगर लिया जाए तो साइन थीटा होता है मुकाबल बटा हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास है, लिहाजा साइन लिखने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे मुकाबल बटा हाइपोटेन्यूज जो कि है 8.1। फिर पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दी गई है 1.33 और साइन थीटा 2 है, और थीटा 2 ही हमें निकालना है। तो भाई साइन थीटा 2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, जिसके लिए हमें दोनों तरफ 1.33 पे तकसीम करना होगा, जब ऐसा करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1.33, जिससे साइन थीटा 2 बनेगा ये ज़रब ये बटा ये ज़रब ये, जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो साइन थीटा 2 आपका बराबर आएगा 0.735 के, और थीटा 2 आपको निकालना है तो दोनों तरफ आपको साइन इन्वर्स लेना होगा, जब साइन इन्वर्स यहाँ पे लेंगे तो थीटा 2 आपके पास आ जाएगा 47.34 डिग्री। अब हमारे पास ये मौजूद है y और ये है 3। tan थीटा अगर हम लें तो मुकाबल बटा मुत्तसिल होता है, यानी tan थीटा 2 बराबर होगा y बटा 3 के, लिख देता हूँ ये tan ऑफ थीटा 2 बराबर होगा y बटा 3 के। थीटा 2 हम अभी निकाल चुके हैं और ये है 47.34, गोया y बराबर हो जाएगा 3 × tan of 47.34 जो कि बनता है 3.255 मीटर। गोया ये फासला जिसको अगर मैं s कहूँ तो ये s बराबर हो जाएगा x जमा y के, यानी 7.92 × 3.255, तो s बना 11.18 मीटर।